हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरत लाल मीणा, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष BA पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान में ब्रिटिश संसद के बारे में चर्चा करूंगा। उसमें ब्रिटिश संसद में लॉर्ड सभा, ब्रिटिश संसद का अर्थ है सम्राट सहित लोक सदन और लॉर्ड सभा। लोक सदन ब्रिटिश संसद का प्रथम और लॉर्ड सभा द्वितीय सदन है। ऐतिहासिक दृष्टि से लॉर्ड सभा इन दोनों सदनों में पुरानी है। लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में एक कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी सदस्यता का प्रमुख आधार वंशगत है। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश राजनीति में लॉर्ड सभा को लोक सदन से अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, किंतु अब स्थिति परिवर्तित हो गई और लॉर्ड सभा न केवल द्वितीय वरन द्वितीय महत्व का सदन हो गया है। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जितने नवीन सदस्य आवश्यक समझे नियुक्त कर सकता है। अवकाश प्राप्त प्रधानमंत्रियों, लोक सदन के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, अवकाश प्राप्त सेनापति, वायसराय, उच्च कोटि के न्याय वेत्ताओं और साहित्य विज्ञान कला की प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों को ही सामान्यतया प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा सदस्यता प्रदान की जाती है। वर्तमान समय मार्च 2010 को लॉर्ड सभा की कुल सदस्य संख्या 743 है। संवैधानिक सुधार कानून 2005 के बाद अब लॉर्ड सभा में केवल तीन प्रकार के सदस्य होते हैं। ये सदस्य इस प्रकार हैं: आध्यात्मिक लॉर्डों की संख्या 26 है, एक निश्चित है। इसमें एक कैंटरबरी का आर्क बिशप, एक यार्क का आर्क बिशप, एक लंदन का आर्क बिशप, एक डरहम का बिशप और एक वेंचेस्टर का बिशप अवश्य सम्मिलित किए जाते हैं। शेष 21 इंग्लैंड के चर्चों के वरिष्ठ बिशप होते हैं। जब कभी मृत्यु या पदत्याग से किसी धार्मिक लॉर्ड का स्थान रिक्त हो जाता है, तो अगला वरिष्ठ बिशप उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। वंशगत या पैतृक पियर, दिसंबर 1999 में पारित अधिनियम के अनुसार वंशगत पियरों की तीन श्रेणियां हैं: दलीय साथी, पियरों से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य, पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है। राजघराने के सदस्य के रूप में ये सदस्य वर्तमान में 75 निर्वाचित दलीय सदस्य तथा 16 पदधारी सदस्य हैं। आजीवन पियर, आजीवन 1958 के आजीवन पियरेज एक्ट ने साम्राज्ञी को प्रधानमंत्री के परामर्श पर आजीवन पियर नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की है। एक्ट में आजीवन पियरों की संख्या निर्धारित नहीं की है। साम्राज्ञी सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी स्त्री पुरुषों को आजीवन पियर नियुक्त कर सकती है। वर्तमान समय में इन पियरों की संख्या 561, जिसमें 121 महिलाएं हैं। तीन प्रकार के इन लॉर्ड सभा सदस्यों के अतिरिक्त 2005 ईस्वी तक एक चौथे प्रकार के लॉर्ड सभा सदस्य होते हैं, लॉर्ड्स ऑफ अपील। संवैधानिक सुधार कानून 2005 ईस्वी के द्वारा लॉर्ड ऑफ अपील की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। वस्तुतः गत वर्षों में लॉर्ड सभा की रचना में दो दृष्टि से परिवर्तन आया है। प्रथम, 1958 के पूर्व लॉर्ड सभा एक पूर्णतया पुरुष सदन था और कोई भी महिला लॉर्ड सभा की सदस्य नहीं हो सकती थी। आजीवन पियरेज एक्ट 1958 के अंतर्गत व्यवस्था की गई कि सम्राट महिलाओं को आजीवन पियर बनाकर लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान कर सकता है। आज स्थिति यह है कि सदन के 707 सदस्यों में से 126 महिलाएं हैं। द्वितीय, 1958 के पूर्व तक लॉर्ड सभा के लगभग 90% सदस्य वंश परंपरागत थे। इन सदस्यों में अनुदार दल का भी भारी बहुमत था, लेकिन अब लगभग 12% सदस्य ही वंश परंपरागत है। शेष लगभग 4 दशक में बनाए गए आजीवन पियर हैं। एक अन्य तथ्य है कि 8 वर्ष से ब्रिटेन में मजदूर दल का शासन है। तो दलीय आधार पर अध्ययन किया जाए तो लॉर्ड सभा में 707 सदस्यों की स्थिति निम्न प्रकार है: अनुदार दल 195,
155 आजीवन पियर और 40 वंशगत, मजदूर दल 199, 197 आजीवन दो वंशगत, लिबरल डेमोक्रेट 66, शेष 247 सदस्य किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। लॉर्ड सभा में जो चार श्रेणी के सदस्य हैं, इनमें केवल तृतीय श्रेणी के सदस्यों का एक भाग आजीवन पियर ही लॉर्ड सभा की बैठकों में पूरी रुचि के साथ भाग लेते हुए पाया गया। सदस्यों के विशेषाधिकार। लॉर्ड सभा के अनेक परंपरागत विशेषाधिकार यदि भी समाप्त कर दिए गए हैं, लेकिन जब भी उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, लॉर्ड सभा के सभी सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। संसद के सत्र के समय उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद के सदस्य केवल स्पीकर के माध्यम से सम्राट तक सामूहिक रूप से पहुंच सकते हैं, लेकिन लॉर्ड सभा के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सम्राट से सार्वजनिक विषयों पर वार्ता करने का अधिकार प्राप्त है। पीयर पद की प्राप्ति से एक और यदि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तो दूसरी ओर कुछ अयोग्यताएँ भी जुड़ जाती हैं। उदाहरणार्थ किसी भी पीयर को लोकसभा लोक सदन के चुनाव में मताधिकार और लोक सदन के चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि कोई पीयर लोक सेवा अधिकारी है तो उसे लॉर्ड सभा में बैठने का तो अधिकार है, किंतु वह न तो भाषण दे सकता है और न ही मतदान में भाग ले सकता है। लॉर्ड सभा सदस्यों पीयरों के लिए दैनिक भत्ते की व्यवस्था। 1956 तक लॉर्ड सभा सदस्यों के लिए दैनिक भत्ते की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लॉर्ड सभा के सदस्यों की उपस्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से 1957 ईस्वी से दैनिक भत्ते की व्यवस्था की गई। बाद में यह भत्ता कई बार बढ़ाया गया। जनवरी 1995 से लॉर्डों के 32 पौंड प्रतिदिन के हिसाब से उपस्थिति भत्ता मिलता है। कार्यालय और सचिव के रखरखाव के लिए उन्हें अलग से कुछ राशि मिलती है और अपने निवास स्थान से संसद भवन की यात्रा तय करने के लिए यात्रा भत्ता भी मिलता है। लॉर्ड सभा का स्पीकर 2005 ईस्वी तक की व्यवस्था यह थी कि प्रधानमंत्री सम्राट द्वारा नियुक्त लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के द्वारा लॉर्ड चांसलर की स्थिति में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। उनमें से एक बड़ा परिवर्तन यह है कि अब लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा की अध्यक्षता नहीं करता। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता के लिए लॉर्ड सभा के स्पीकर पद की व्यवस्था की गई है। संवैधानिक सुधार कानून 2005 ईस्वी में कहा गया कि लॉर्ड सभा के स्पीकर पद से संबंधित समस्त व्यवस्था स्वयं लॉर्ड सभा द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। इस व्यवस्था के अनुसार लॉर्ड सभा के द्वारा 2006 ईस्वी में लॉर्ड सभा की अध्यक्षता के लिए लॉर्ड सभा के स्पीकर का निर्वाचन किया गया। इस प्रकार लॉर्ड सभा में अब लोक सदन के समान ही निर्वाचित अध्यक्ष है, मनोनीत अध्यक्ष नहीं है। लॉर्ड सभा के इस स्पीकर को लोक सदन के स्पीकर के समान ही सदन को अनुशासित और नियंत्रित रखने का अधिकार प्राप्त है। लॉर्ड चांसलर संवैधानिक सुधार कानून 2005 ईस्वी के बाद भी लॉर्ड चांसलर का पद बना हुआ है, लेकिन अब वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य मात्र है। उसकी स्थिति लगभग वही है जो अन्य देशों में विधि और महा और न्याय मंत्री की होती है। अब लॉर्ड चांसलर न तो लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता है और न ही वह ब्रिटिश न्यायपालिका का अध्यक्ष है। स्पीकर के अतिरिक्त सभा के कुछ अन्य अधिकारी भी होते हैं तथा समितियों का लॉर्ड सभापति, रिकॉर्ड दिखाने के लिए क्लर्क, जेंटलमैन, असर ऑफ द ब्लैक रॉड, सार्जेंट एट आर्म्स आदि। लॉर्ड सभा वेस्टमिंस्टर स्थित अपने वैभवशाली भवन में एकत्रित होती है। इसका अधिवेशन लोक सदन के अधिवेशन के साथ साथ ही चलता है। इसकी बैठकें मंगल, बुध और गुरु को होती है और कभी कभी सोमवार को भी हो जाती है। बैठकें साधारणतया 1-2 घंटे तक चल सकती है, इनमें भी उपस्थिति कम ही रहती है। बैठक के लिए गणपूर्ति 3 सदस्यों की उपस्थिति है, परंतु किसी विधेयक को पारित करने के लिए कम से कम 30 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। लॉर्ड सभा में संपूर्ण सदन की समिति के अतिरिक्त प्रवर सत्रीय समितियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में लोक सदन से आधे लोक सदन से आए विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए एक स्थायी समिति का भी निर्माण किया जाता है। सत्र समितियों में मुख्य है विशेषाधिकार समिति, अपील समिति, स्थायी आदेश समिति, चयन समिति, लॉर्ड सभा द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं,
की समिति आदि प्रवर समितियों के सदस्यों के नाम सदन तय करता है, किंतु ये समितियाँ स्वयं अध्यक्ष, स्वयं निर्वाचित, स्वयं नियुक्त करती है। लॉर्ड सभा के वाद विवाद को सीमित करने के लिए समापन प्रस्ताव का प्रयोग नहीं किया जाता। इस संबंध में केवल दो स्थायी आदेश, पहला कोई सदस्य एक ही विषय पर दो बार नहीं बोल सकता, दूसरा वाद विवाद विषय से संबंध नहीं हो सकता। कभी कभी तो लॉर्ड सभा के वाद विवाद बहुत उच्च स्तरीय होते हैं। धन्यवाद बच्चों।